क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था भौतिक राशियों की विमाएं, और इससे पहले क्लास में हमने भौतिक राशियों की विमाओं के अंतर्गत टॉपिक कंप्लीट किए थे। हमारी भौतिक राशियां, मात्रक, मूल राशियां और मूल मात्रकों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत, जो है कि व्युत्पन्न मात्रक। ने बताया था कि राशियां दो प्रकार की होती हैं। पहली जो कि है मूल राशियां, उनके बारे में जानकारी हम ले चुके हैं अपनी पिछली क्लास में, और आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि दूसरी राशि जो होती है वो है हमारी व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। आई रिपीट अगेन, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त की जाती हैं या उनके द्वारा उपयोग की जाती हैं क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। कुछ व्युत्पन्न राशियां हमारी होती हैं जैसे क्षेत्रफल हो गया, हमारा आयतन हो गया, घनत्व हो गया, त्वरण हो गया, चाल हो गया, दाब है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे किसके? व्युत्पन्न राशि। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि है मात्रक। तो मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, और व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं वो मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त किए जाते हैं, या वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों का उपयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों के एग्जांपल्स लिए थे, कौन कौन से? क्षेत्रफल, आयतन, चाल, घनत्व। ठीक है, इसी तरह से इनके हम मात्रकों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे पहले क्लास में हमने ये देखा था कि किस राशि को किस मात्रक से प्रदर्शित करते हैं, उसका प्रतीक क्या होता है, उसका संकेत क्या होता है। तो उन चीज़ों का उपयोग करते हुए आज हम यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रकों को व्यक्त करेंगे। तो व्युत्पन्न मात्रक में मान लीजिए सबसे पहला हम यहाँ पर ले लेते हैं, क्या है हमारा राशि? है हमारी व्युत्पन्न राशि क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए जो अब हम मात्रक लगाएंगे, तो क्षेत्रफल का मात्रक हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखिए, मात्रक तो हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, और हमें पता है कि हम लंबाई का जो सिंबल लेते हैं वो क्या लेते हैं? एल लेते हैं। लंबाई के सिंबल को हम विद इन लॉन्ग ब्रैकेट क्या लेते हैं? एल लेते हैं, लेंथ। ठीक है, इनटू चौड़ाई का जो सिंबल हमने लिया वो भी क्या लिया? एल लिया। ठीक, अब ये क्या बन गया? एल इंटू एल बन गया। अर्थात इस प्रकार से जो क्षेत्रफल का मूल मात्रक हमें प्राप्त हो गया वो क्या हो गया? एल टू हो गया। ये प्रतीक के रूप में हो गया, और मात्रक हमारा क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई दे रखा है। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम एक देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमारा एग्जांपल है, मान लीजिए क्या है? आयतन। आयतन इट मीन्स वॉल्यूम। तो आयतन का जो बेटा सूत्र होता है वो क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, अब हमने इनको किस संकेत रूप में व्यक्त किया था? लंबाई को भी हम किस में लेंगे? अच्छा, होता क्या है कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है उसे हम नापेंगे किस में? मीटर में ही नापेंगे, या कह लीजिए सेंटीमीटर में नापेंगे। ठीक है, तो मीटर में नापेंगे। लंबाई का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, चौड़ाई का भी जो मात्रक है वो मीटर है, और ऊंचाई का भी जो मात्रक है वो मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक है मीटर इंटू मीटर, उसका संकेत हो गया एल इंटू एल, अर्थात क्षेत्रफल को हमने निरूपित कर दिया सांकेतिक रूप में एल टू। ठीक इसी तरह से आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई सूत्र हो गया। अब इसका जो मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक उसे भी हम मीटर में नापेंगे।
ऊंचाई को भी हम मीटर में नापेंगे, इसलिए ये हो जाता है L इंटू एल इंटू एल, और इसे हम क्या लिख सकते हैं L थ्री। ठीक है, यही चीज होती है एक किसी भी राशि की विमा को बताने के लिए। तो इसी तरह से हम विमा लिखते हैं। खैर, उसको और भी एक्सप्रेस तरीके से और भी विस्तार रूप से हम जब वो टॉपिक करेंगे तब उसे पढ़ेंगे। ठीक, अब हम इसका एक अगला एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, जैसे हमें तीसरा एग्जांपल में दे रखा है क्या, चाल। तो हम सभी को पता है चाल का जो सूत्र होता है वो बेटा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं, समय को हम किस में नापते हैं, सेकेंड में नापते हैं। तो एक तरह से चलिए मात्रक के रूप में हम इसे लिख देते हैं, दूरी हो गया हमारा मीटर और समय हो गया हमारा क्या, सेकेंड। ठीक है, तो मीटर को जो हम नापेंगे इसका सांकेतिक रूप हमने लिया था क्या, L, और सेकेंड का जो लिया था सिंबल वो क्या लिया था, T। अर्थात ये हमारा हो जाता है क्या, T की L की पावर तो यहाँ पे बेटा 1 है क्योंकि वो न्यूमरेटर फॉर्म में दिया गया है, और T जब ऊपर जाएगा T की पावर क्या है, माइनस 1 है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, L T ऊपर गया माइनस। ठीक है, तो जो चाल है वो बन गया व्युत्पन्न मात्रक, सूत्र बन गया दूरी बटे समय, मीटर पर सेकेंड, और सांकेतिक रूप में हम उसे लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 के रूप में। अब इसी तरह से हमने एक छोटा सा एग्जांपल नेक्स्ट ले रखा था क्या, घनत्व। ठीक है, तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है, और घनत्व बराबर क्या होता है, सूत्र ले लेंगे द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है ना, द्रव्यमान बटे आयतन। अब इसका क्या सूत्र होता है, द्रव्यमान बटे आयतन जो हमने लिया, द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और आयतन को हम किस में लेंगे, आयतन जो वो हमारा होता है वो बेटा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इसलिए आयतन के फॉर्म में हम ले लेते हैं मीटर की घात 3 यानी मीटर क्यूब, इसे बोल सकते हैं। ठीक, अब किलोग्राम का जो सिंबल हम लेते थे वो हम क्या लेते थे, द्रव्यमान यानी एम मास, और मीटर यानी लेंथ L, और यह है कितना L 3। ठीक, तो इसे हम किस तरह से लिख देंगे, विद इन लॉन्ग ब्रैकेट M L, L आपका ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा एम एल माइनस 3। तो ये राशि हो गई, ये राशि का सूत्र हो गया, ये जो यहाँ पर दिया गया है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या मीटर पर सेकेंड, चाल के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, घनत्व के लिए, ये इनके क्या हो गए, मात्रक हो। और उन्हीं मात्रकों को सांकेतिक रूप में लिख कर जो चीज़ें हम व्यक्त करते हैं ये इनकी विमा हो। खैर, अभी तो एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, अब नेक्स्ट क्लास में हम विमा और विमीय राशियों और विमीय सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त। फिलहाल आज के लिए आपका ये टॉपिक, अच्छी तरह से पढ़िए, रिवीजन करिए। थैंक यू।